बच्चा ज्यादा बीमार है या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी का खतरा है तो उसे आसान बनाने के लिए आरटीओज हॉस्पिटल है ना। आरटीओज हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीडी रोड, पानीपत। बहुत बढ़िया कैंपेन चल रहा है, मैं कहूँगा सब कुछ देख लिया खोकर, अब लेके आओ राजे भरत सिंह छोकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधे तस्वीरें आपको समालखा, जी हाँ समालखा से दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी भरत सिंह छोकर के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा कैंपेन शुरू किया गया है। डोर टू डोर, जी हाँ डोर टू डोर कैंपेन। बाजार की बात करें, गलियों की बात करें, वार्डों की बात करें तो हर जगह प्रत्याशी जो हैं वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो आने वाली 19 तारीख को आम आदमी पार्टी को वोट दें। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तालका और इस वक्त हम समालखा के गोल्डन पार्क के अंदर मौजूद है, जहां पर आम आदमी पार्टी की जनसभा चल रही है। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पानीपत जिले के तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, समालखा नगर पालिका के चेयरमैन पद के उम्मीदवार भरत सिंह छोकर के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं साथ के साथ। और हरियाणवी इंडस्ट्री के जाना माने चेहरे जो डायरेक्टर हैं मुकेश दहिया, वो भी वोट मांगने की अपील करने के लिए आए हैं। और पानीपत की जिला इकाई के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतपाल खेड़ा। खेड़ा साहब, क्या लग रहा आपको कि भाई आप कहाँ रहने वाले हैं इन चुनावों में और समालखा के अंदर आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं? जी रहे जहां भी, लेकिन रहेंगे सच्चाई के साथ, ये आपको वादा करते हैं। ऐसे है जी, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जीत अगर सच्चाई के साथ हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और यह चुनाव हम सच्चाई के साथ में जीतने जा रहे हैं, आपको यह भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है, और उसको देखते हुए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी कोई जात पात की राजनीति नहीं करती, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी राजनीति करती है, और उसी के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। और जनता भी हमारे को पूर्ण सहयोग दे रही है और आश्वासन दे रही है कि हम, जनता हमारे साथ है। और इस बार आने वाली 19 तारीख को ये जो जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनको हराने का काम करेगी, और जो आम आदमी पार्टी है इसको सत्ता में लेके आएगी। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कुछ लग रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ लोगों का? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी आप लोग पहले कहाँ थे, हम तो इंतजार कर रहे थे, अब अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ आए हो हमारे बीच में। तो जैसे हमने पंजाब में काम किया है वो वही मिसाल देते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जो जनता है वो हमें खुद बताती है कि जी हमने आपका दिल्ली का काम देखा है, पंजाब का देखा है, तो जी हम आपको वोट देंगे। बस आपसे यही उम्मीद है कि जो आपने काम दिल्ली में करके दिए हैं शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर, वही हमारे को हरियाणा में करके दिया जाए। रेलवे लाइन पार वार्ड नंबर 16 है और वहां से एक प्रत्याशी अनिल पांचाल, उनके द्वारा भी आपको आज समर्थन दिया गया है और अपील भी की गई है और आस्था जताई आम आदमी पार्टी में। जी देखिए, जो भी आज की डेट में ईमानदार है, जब अगर उन्होंने हमारे में आस्था दिखाई है तो वो हमारी नीतियों के कारण दिखाई है, तो उसी के लिए वार्ड 16 के अध्यक्ष ने, जो अपने प्रत्याशी हैं उन्होंने दिखाई है और जनता ने दिखाई है, जनता से भी हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है। और आप ये देखिए जो इतनी भीड़ है, ये ऐसे थोड़ी ना आई हुई है, ये पूरा सहयोग है उसके लिए, यह पूरी जनता आज हमारे साथ में खड़ी हुई है। राज्यसभा चुनाव खत्म हुए हैं और आपको भी पता है कि क्या क्या हुआ उसके अंदर, क्या लग रहा है ये ठीक था? ये लोकतंत्र की हत्या थी, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। चलो जो भी हुआ, अब हम उम्मीद ये रखते हैं कि अब पानीपत के अंदर दो दो सांसद हैं, कम से कम उसके बावजूद तो पानीपत के अंदर काम करके दिखाएंगे, लेकिन ये काम की जगह ये भ्रष्टाचार के अंदर नंबर वन बनते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी भी एक आज अखबार में देखा 75 लाख रुपए का टेंडर लग गया सड़कों का, जो कि सड़कें बनी नहीं है, सिर्फ कागजों में ये काम हो रहा है, यानी कि एक पार्षद यानी कि एक हिस्सा और बढ़ चुका, यानी कि जो
पहले तीन जगह बंटता था, अब वो हिस्सा चार जगह बंटने लग गया, उसकी जगह ये आ गया। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चौथा ये जो आए हैं ये अपना योगदान दें ताकि हमारा जो पानीपत है उसके विकास में योगदान आए। भारतीय जनता पार्टी के रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की और आज रोहतक के अंदर ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, कई मंत्री भी पहुंचे, सांसद भी नए नवेले जो कृष्ण लाल पवार है वो भी पहुंचे थे, लेकिन जो मौजूदा सांसद है वहाँ से वो स्टेज पर नहीं पहुँचे, उनको जगह नहीं दी गई, ना उनको आने का न्योता दिया गया, स्टेज के नीचे वो गैलरी जहाँ मीडिया की गैलरी होती है वहाँ पर नजर आए। जी इनकी यही है कि जो सच की आवाज़ उठाता है वो दबा दी जाती है, चाहे वो सांसद की हो, चाहे वो यहाँ के जैसे पीपी कपूर जी ने आवाज़ उठाई थी, कोई भी हो, या तो वो दबा दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है। इसी के लिए जो जनता है, हमारे व्यापारी हैं, वो बस इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस बार इलेक्शन के अंदर अपना वोट, अपना जो वोट का अधिकार है उससे इनको जो इनका रास्ता है वो दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी की नेत्री हमारे साथ है नीलम जी, समालखा पहुंचे हैं, कैंपेन भी कर रहे होंगे, क्या लगता है अभी खाता खोलेगी आपकी पार्टी? खाता क्या, जैसे वो बीजेपी सरकार कहती है ना कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन का चेयरमैन बनेगा, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की साफ छवि और साफ और ईमानदार राजनीति और अच्छी नीतियाँ, और दूसरी बात हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भरत सिंह छोकर, उनकी समाज सेवा की भावना और एक अच्छी छवि, ये डबल इंजन है, इसी पर वो चेयरमैन यहाँ के बनेंगे और भारी मतों के साथ हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें, हालांकि परिणाम जो है 22 तारीख को आने हैं, लेकिन तमाम पार्टियां दावा कर रही है कि वो चेयरमैन पद की जो कुर्सी है समालखा से वो जरूर हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। महिलाओं की सभी समस्याओं के लिए आरटीओस है ना, विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। आपका बच्चा ज्यादा बीमार है या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी का खतरा है तो उसे आसान बनाने के लिए आरटीओस हॉस्पिटल है ना, आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत।